हाय फ्रेंड्स, मैं सीएमए विपुल शाह, मैं आपको बिजनेस एनवायरमेंट एंड लॉ पढ़ाने वाला हूं। तो ये अपना पेपर वन है जो 100 मार्क का है। इसमें से मैं खाली 40 मार्क्स का आपको सिलेबस पढ़ाने वाला हूं। सो मेरा जो एरिया ऑफ वर्क रहेगा वो रहेगा 40 मार्क्स, ठीक है। इसमें पांच चैप्टर टोटल है जो अपन वन बाय वन पढ़ेंगे। नाउ अभी ये जो मैं आपको पूरा सिलेबस पढ़ाने वाला हूँ, ये पूरा मैं आपको मॉड्यूल से पढ़ाने वाला हूँ। तो जो इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल है वही मैं आपको पूरा पढ़ाने वाला हूँ। रीज़न क्या है, एमसीक्यू पैटर्न है। तो मॉड्यूल से पढ़ाने के बाद एडवांटेज क्या है कि उसके बाहर का कुछ नहीं आता है। सो मॉड्यूल में से जो है वो सब हमने कवर किया है ना, उसके बाद भी आ गया तो सर फिर आपका बैड लक खराब है, फिर क्या कर सकते, फिर उसका कोई उपाय नहीं है। दैट्स वाई आई रिफर मॉड्यूल। पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपको नोट्स नहीं देने वाला, मैं आपको मेरे नोट्स भी देने वाला हूँ। सो यू विल बी गेटिंग माई नोट्स, बट मैं आपको रिविजन नोट्स दूंगा, क्योंकि मेन बुक तो अपना यही रहेगा। तो आपको घर पे पढ़ते समय, क्लास में मैं एक बार ही पढ़ूंगा पूरा, घर पे आप एक बार पढ़ोगे, दो बार हो गया कॉन्सेप्ट समझने के लिए, थर्ड टाइम इतना बड़ा पढ़ना पॉसिबल नहीं है। सो मैं आपको मेरे समरी नोट्स चैप्टर वाइज बना के दूंगा, जिससे आपको कम समय में पढ़ना होगा। क्या करना पड़ेगा, कम समय में अपने को पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है, ठीक है ना। सो आई विल बी गिविंग यू समरी नोट्स, जिसमें एमसीक्यू भी रहेंगे। मैं एमसीक्यू दोनों कवर करूंगा, मेरे खुद के भी एमसीक्यू है, प्लस स्कैनर के सभी एमसीक्यू हम क्लास में कवर करेंगे। तो इन सिंपल वर्ड्स, मैंने चैप्टर पढ़ाने के बाद आपका काम एक ही है, घर पर जाके एक बार पढ़ना है, जस्ट टू चेक कि जो मैंने पढ़ा है आपको समझ में आया है नहीं आया। एक बार अगर वो समझ में आ गया तो फिर बाद में खाली मेरे जो समरी नोट्स है उतना ही पढ़ना है, उसमें मैंने हर एक के की पॉइंट्स कवर की है, ताकि इतना बड़ा आपको पढ़ने की जरूरत ना पड़े। एंड उसमें से ही एमसीक्यू आपको क्या करना है, रिवाइज करना है, ठीक है। सो इन सिंपल वर्ड्स आप जरा समझना क्या क्या होने वाला है। अपन रिफर करने वाले हैं मेन मॉड्यूल, ठीक है, जो अपन क्लास में, ये क्लास में यूज होगा। प्लस मैं आपको इशू करूंगा रिवीजन नोट्स विथ एमसीक्यू, ये मैं आपको दूंगा। एमसीक्यू दोनों होंगे, लास्ट एग्जाम के भी होंगे और मेरे से, अपन दोनों मिलके कंबाइन सॉल्व करेंगे, ठीक है, ओके। नाउ एंड उसके बाद होगा टेस्ट पेपर्स, ये आपको मैं दूंगा चैप्टर वाइज। तो आपका चैप्टर वाइज भी टेस्ट होगा एंड प्लस एक ओवरऑल टेस्ट होगा कंबाइन, ठीक है। सो दिस इज द वे आई एम गोइंग टू टीच। सो मॉड्यूल कवर करने का रीजन यही है कि एमसीक्यू में कुछ छूटता नहीं है, मॉड्यूल का पूरा कवर किया तो आप टेंशन फ्री हो जाते हो, एग्जाम में रिजल्ट बहुत अच्छा आता है, ओके okay? अच्छा, नाउ अभी एक चीज आपको इंपॉर्टेंस बताना चाहूंगा बिफोर आई स्टार्ट। अभी रिवीजन नोट्स में आपको क्यों दे रहा हूँ, जरा ध्यान से सुनना, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सिर्फ क्लास में आप 4 महीने रहोगे तो आप पूरा पढ़ लोगे, एग्जाम के पहले ये एक दिन में इतना बड़ा मॉड्यूल कवर करना पॉसिबल नहीं है। मैनेजमेंट 40 मार्क्स एंड लॉ 60 मार्क्स, बहुत बड़ा सिलेबस है। तो इसके लिए रिवीजन नोट्स होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं क्या बोला, ध्यान से सुनना, एग्जाम के एक दिन पहले अगर आप पूरा सब्जेक्ट प्रॉपरली रिवाइज कर पाए ना, आपका स्कोरिंग बहुत अच्छा होता है। आप 6 महीना दबा के स्टडी करो, बट अगर एग्जाम के एक दिन पहले अगर हम पूरा कवर नहीं कर पाए तो उसका इम्पैक्ट एग्जाम में होता है कि नहीं होता है, होता है। सो ध्यान में रखना, आपके लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डे होगा ना, इफ़ यू आस्क मी जेन्युइनली, वन डे बिफोर द एग्जाम आप उस सब्जेक्ट को कैसे रिवाइज करते हो, ये अगर स्ट्रैटेजी परफेक्टली डिफाइन है, आपका स्कोर बहुत इंप्रूव होता है। आपने पहले 6 महीने में कितना पढ़ा है वो तो इंपॉर्टेंट है, बट वी हैव मेमोरी इशू, बाई डिफॉल्ट वी ऑल आर गजनी। और आपको घर पे एक बार खुद को चेक करना है मैं जो बोल रहा हूँ सही कि नहीं। एक बार घर पे एक चैप्टर पढ़ो एंड उसका टेस्ट दो, टेस्ट देने से पहले 2 दिन उसको पढ़ो मत, एंड गिव टेस्ट, डेफिनेटली यू विल फॉरगेट मेनी थिंग्स। सो वी हैव मेमरी इशू, वी हैव टेम्पररी मेमरी एज फार एज ओनली एजुकेशन इज कंसर्न, बाकी मोबाइल नंबर बराबर लर्न होते हैं स्पेशल, वो हम भूलते नहीं, बट वेन कम्स टू एजुकेशन वी हैव मेमोरी इशूज। तो इसलिए ध्यान में रखना,
एक दिन पहले जो स्टूडेंट सही तरह से उस सब्जेक्ट को रिवाइज कर सकता है उसका स्कोर बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होता है, एंड उसके लिए मैंने आपको रिविजन नोट्स दिए हैं। अदरवाइज मॉड्यूल आपके पास है, मैं उसमें से हाईलाइट करके दूंगा, वो तो दूंगा ही। नोट्स देने का पर्पज ही वही है कि वो एक दिन में पूरा 40 मार्क 2-3 घंटे में रिवाइज होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 2-3 घंटे में पूरा रिवाइज होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम के एक दिन पहले आपको 12 घंटे मिलेंगे। आई एम टॉकिंग ऑफ वन डे एग्जैक्टली बिफोर द एग्जाम, जो प्रेशर पीक पे रहता है। मतलब ट्यूजडे को एग्जाम है एंड मंडे एक दिन बचा है, तो एक दिन जो लड़ाई का समय है अंतिम, उस दिन में पूरे दिन में सोम इतने सारे चैप्टर कवर करना है, 15, 16, 17 जो भी है। तो इफ़ यू फाइंड आउट नंबर ऑफ आवर्स, हार्डली यू गेट 1 आवर पर चैप्टर, इसलिए सब दिया है। एंड बाद में और एक होगा अपना, होगा मैराथन लेक्चर्स। ये वन डे में अपन पूरे चैप्टर का क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे। ये रिवीजन मेरे रिवीजन नोट्स में से ही होगा, तो इतना पूरा आपको पैकेज मिलेगा जिससे आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। सो दिस इज द वे आई एम गोइंग टू प्रोसीड। ये मैंने आपको क्यों बता के रखा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जो फैकल्टी पढ़ाने वाला कैसे पढ़ाने वाला है। या तो ऐसा हो कि रोज आके भूल भूल, या पता नहीं सर कहाँ पे लेके जाएंगे, तो अपन ट्रिप को जा रहे तो पता होना चाहिए कहाँ पे जा रहे हैं, साथ में जा रहे पता है बट कहाँ पे जा रहे वो भी पता होना चाहिए। तो मैंने आपको एक डायरेक्शन दिया है कि इस तरह से अपन स्टेप बाय स्टेप मैं आपको पूरा लाइन से पढ़ाने वाला हूँ। इज दिस क्लियर? ठीक है। सो टेस्ट सीरीज ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इससे खुद का आपका और मेरा दोनों का इवेल्यूशन होता है कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो सही तरह से आप तक पहुँच रहा है कि नहीं पहुँच रहा है, मतलब मैं जैसे चाहता हूँ वैसे। तो ये सब अपन करने वाले हैं। तो ये होगा अपना ओवरव्यू। इज दिस क्लियर? चलो तो आप इसको लिख के रखना ना हो। अभी आगे बढ़ते हैं। अभी तो ये जो सब्जेक्ट है पार्ट है 40 मार्क्स, इसमें 5 चैप्टर है। पहला है बिजनेस एनवायरनमेंट, दूसरा है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, तीसरा स्केल ऑफ बिजनेस, 4th इमर्जिंग ट्रेंड्स इन बिजनेस, एंड 5th इज बिजनेस फंक्शन। तो ये 5 चैप्टर में टोटली कंप्लीट करने वाला हूँ। कितने चैप्टर हैं? 5। तो इसमें से अपन स्टार्ट करेंगे आज बिजनेस एनवायरनमेंट, एंड जो देखा जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है ना? मतलब ये सब्जेक्ट क्यों पढ़ना है मैनेजमेंट का, ये मैं आपको पहले बताता हूँ। ये 40 मार्क का सिलेबस ऐड क्यों किया गया ये पहले अपन समझते हैं। चैप्टर तो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, बट अपन जो पढ़ रहे हैं वो समझ के पढ़ना ज़रूरी है कि ये पढ़ना क्यों है, ये सिलेबस में क्यों ऐड किया गया। पढ़ना तो कंपलसरी बिकॉज नाउ इट्स अ पार्ट ऑफ सिलेबस, नो डाउट अबाउट इट, बट क्यों पढ़ना है फिर भी। तो देखो अपन पढ़ते हैं पहले बिजनेस एनवायरनमेंट। सो देखो टोटल आपको इतने सारे चैप्टर्स है, चलो तो पार्ट है बिजनेस एनवायरनमेंट। अच्छा मैं आपको जिनके पास नहीं मॉड्यूल में आपको नोट्स दे दूंगा, प्रिंट करने को दिया है आपको मिल जाएंगे। नाउ पहले बताता हूँ कि बिजनेस एनवायरनमेंट होता क्या है। अच्छा पहले देखेंगे मीनिंग ऑफ वर्ड बिजनेस, इसमें पहला वर्ड कौन सा है। हाँ तो बिजनेस का मतलब क्या है आपको पता है? मतलब बताओ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बिजनेस। बिजनेस का मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं क्या, एनी एक्टिविटी डन विद द इंटेंशन ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, एनी एक्टिविटी डन विद द इंटेंशन ऑफ। हाँ तो फिर उसमें बिजनेस में सभी आते हैं, मतलब मैन्युफैक्चरिंग भी एक बिजनेस है ना, सर्विस प्रोवाइड करना भी है, कोई भी हो, वेन एवर यू डू एनी एक्टिविटी। हाँ नाउ दैट एक्टिविटी इन्वॉल्व्स बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड प्रोवाइडिंग सर्विस, बराबर ना। या तो आप गुड्स सप्लाई कर सकते हो, गुड्स बेच सकते हो, या तो सर्विस दे सकते हो। जैसे अभी मैं आपको क्या दे रहा हूँ, सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ। आप जो मोबाइल खरीदते हो तो वो गुड्स है ना। सो एक्टिविटी कैन बी ऑफ गुड्स और इट कैन बी ऑफ सर्विस, तो उसको बोलते हैं बिजनेस। तो बिजनेस का मतलब आपको पता ही है, व्हाट इज बिजनेस, बाइंग एनी एक्टिविटी डन विद द इंटेंशन ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। ये तो आपको पता ही था, मैंने एक जस्ट रिवीजन लिया है। नाउ एनवायरनमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। अभी एनवायरनमेंट का मतलब क्या, आप चाहे तो आप लिख के रखो, एकदम सिंपल मीनिंग बता रहा हूँ, फैक्टर्स अफेक्टिंग योर बिजनेस, फैक्टर्स अफेक्टिंग योर बिजनेस। तो जो तो ये इस चैप्टर में आपको ये पढ़ाने वाला हूँ कि ऐसे कौन से फैक्टर्स है जो आपके बिजनेस को इम्पैक्ट करते हैं।
सो व्हाट इज बिजनेस एनवायरनमेंट फैक्टर विच अफेक्ट्स अवर बिजनेस. अभी मैं आपको दो चार एग्जाम्पल दूंगा, फिर आप मेरे को बताओगे कि ये फैक्टर्स को जानना क्यों जरूरी है. पहला एग्जाम्पल, जैसे महाराष्ट्र में आई थिंक ऑल इंडिया लेवल पे बीच में प्लास्टिक बैन कर दिया गया, आप सबको पता ही है. तो बताओ जिन लोगों का प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है उनके बिजनेस पे इम्पैक्ट हुआ कि नहीं हुआ? हुआ. उनका प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग पूरा बंद हो गया, जो पेपर बैग थे वो तो चालू रहेंगे, तो बोलो उनका सेल्स कम हुआ कि नहीं हुआ? हुआ. तो ये तो बताओ ये जो फैक्टर है इंटरनल भी हो सकता है या एक्सटर्नल भी हो सकता है, इससे बिजनेस पे इम्पैक्ट हुआ कि नहीं हुआ? हाँ अच्छा, पॉजिटिव हुआ तो डर नहीं है, लेकिन निगेटिव हुआ तो प्रॉब्लम आ सकता है कि नहीं? इसलिए इस चैप्टर को पढ़ना जरूरी है. तो इसमें जितने भी फैक्टर्स है कुछ इंटरनल है और कुछ एक्सटर्नल है, इसका आपके बिजनेस पे इम्पैक्ट होगा. पॉजिटिव हो रहा तो बहुत अच्छी बात है, अपने को केयर लेना है कि निगेटिव इम्पैक्ट ना हो, आने से पहले अपन समझ जाए. तो अगर गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया कि हम 6 महीने में प्लास्टिक बैन करने वाले हैं, तो तुमने आज से ही क्या करना चाहिए? कुछ नया स्टार्ट करने की जरूरत है. कुछ नया स्टार्ट करने की क्या है? जरूरत है. अगर नहीं करेंगे तो क्या होगा? इफ यू वेट टिल दैट डेट, आप पूरे खत्म हो जाओगे. अच्छा, जिन लोगों ने डे 1 को स्टार्ट कर दिया पहले 6 महीने पहले, उनको एज मिल जाएगा, क्योंकि जिस दिन गवर्नमेंट ने ऑफिशियल बैन कर देगी उस दिन तुम्हारे पास पेपर बैग नहीं रहेंगे कस्टमर को देने के लिए. लेकिन जिन कॉम्पिटिटर ने पहले ही स्टार्ट कर दिया है उनको कॉम्पिटिटिव एज मिलेगा. इसलिए एनवायरमेंट एनालाइज करना बहुत जरूरी है. सो एज अ बिजनेसमैन यू नीड टू बी वेरी वेरी अलर्ट. सो यहाँ पे अलर्टनेस रिक्वायर्ड है, मतलब यू नीड टू ऑब्जर्व व्हाट इज हैपनिंग आउटसाइड एंड व्हाट इज हैपनिंग इनसाइड एंड इम्पैक्ट ऑफ बोथ द फैक्टर्स ऑन योर बिजनेस. तो बिजनेस में क्या हो जाएगा? गड़बड़ हो जाएगा. तो इफ आई टेल यू, दो वर्ड ध्यान में रखना, ये एनवायरनमेंट का मतलब समझ में आ गया. व्हाट इज एनवायरनमेंट? फैक्टर्स विच अफेक्ट योर बिजनेस. वो इंटरनल भी हो सकते हैं, एक्सटर्नल भी हो सकते हैं. ये चैप्टर पढ़ना क्यों है? ये एनवायरनमेंट एनालिस क्यों करना है सर? फॉर सर्वाइवल एंड ग्रोथ. सर्वाइव होना है तो भी कस्टमर को क्या चाहिए समझना पड़ता है, एंड ग्रो होना है तो कॉम्पिटिशन को बीट करना पड़ता है. तो ये फैक्टर्स क्यों इंपॉर्टेंट है? सर्वाइवल एंड ग्रोथ. तो व्हाट इज बिजनेस एनवायरनमेंट बताओ? दीज आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग योर बिजनेस. फैक्टर्स और ये जो फैक्टर्स है बिजनेस को अफेक्ट करते हैं वो इंटरनल भी होते हैं और एक्सटर्नल भी होते हैं. एंड दोनों फैक्टर का एनालिसिस क्यों करना है? सर्वाइवल प्लस ग्रोथ है ना. तो आप ये लिख के रखो, क्योंकि अगर आपने बिजनेस एनवायरनमेंट आपका एनालिस नहीं किया तो क्या होगा? आपका बिजनेस ही बंद हो जाएगा, एंड बंद हो गया तो ग्रो नहीं हो पाएंगे, एंड एनालिस किया तो सर्वाइव भी हो जाओगे, एंड सर्वाइव हो गए तो ग्रो तो हो ही जाओगे ऑटोमेटिक. इसलिए जानना है. ओके, तो अभी जो मैंने आपको बताया ये बोलो इंटरनल फैक्टर था या एक्सटर्नल फैक्टर था? एक्सटर्नल. इसको बोलते हैं गवर्नमेंट पॉलिसी. इसको क्या बोलते हैं? अच्छा, अभी इंटरनल फैक्टर कौन सा है सर जो मेरे बिजनेस को अफेक्ट कर सकता है? आपके फैक्ट्री में अज्यूम करो वर्कर ने स्ट्राइक कर दिया. अच्छा, वर्कर अगर जब स्ट्राइक करेगा तो डेफिनेटली प्रोडक्शन कम होगा, प्रॉफिट कम होगा कि नहीं होगा? तो ये ना हो इसके लिए आपने कुछ करना पड़ेगा कि नहीं? मतलब वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज रॉन्ग हैपनिंग ओवर देयर. एनालिसिस जो मैंने कहा था कि एज अ बिजनेसमैन आपको हर एक चीज पे ध्यान देना है, इंटरनल प्लस एक्सटर्नल, की कहाँ कहाँ पे अपन गलत जा रहे और कहाँ कहाँ पे अपन खुद को चेंज कर सकते हैं. कहाँ कहाँ पे अपन खुद को क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं. जहाँ पे गलत है वहां पे आपको सुधरना है, नहीं सुधरेंगे तो फिर बाद में डैमेज ज्यादा होगा. इसलिए मैंने दो वर्ड यूज किए. क्या है ये दो वर्ड? अगर अपन ने पकड़ लिया तो चैप्टर आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा कि एग्जिस्टिंग बिजनेस में सर्वाइव करना है तो आई नीड टू अंडरस्टैंड. फॉर एग्जाम्पल, मेरा मोबाइल का शॉप है तो मेरे को वही मोबाइल रखना है ना कि जो लोगों को पसंद है. आर यू गेटिंग मोमेंट? मैंने ऐसे कंपनी नोकिया के फोन रखे. नोकिया पहले बहुत एक नंबर कंपनी था, पहले लोग सैमसंग को बोलते थे भंगार है. अभी सैमसंग ने ओवरटेक किया नोकिया को. क्यों? क्योंकि नोकिया ने लोगों की एनवायरमेंट को एनालाइज नहीं किया. एंड्रॉयड सबसे पहले सैमसंग लेके आया है ना. वो गैलेक्सी मॉडल से देखो स्टार्ट होता है सैमसंग का, वहाँ से सैमसंग को क्या मिला? एज मिला
गैलेक्सी नाम का सीरीज था, वहां से सैमसंग को बहुत बड़ा पुश मिला, जो कौन ऑब्जर्व नहीं कर पाए, नोकिया, ऐसे बहुत सारे कंपनीज है। तो उसको बोलते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट। अभी और एक बताता हूँ, ऑटोमोबाइल सेक्टर अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो नाउडेज ऑटोमोबाइल सेक्टर बहुत प्रॉब्लम में है। मतलब अगर आप थोड़ा पेपर पढ़ते तो मंथ वाइज ईयर ऑन ईयर बेसिस उनके सेल्स क्या हो रहे, कम हो रहे हैं। तो अभी अगर आप ऑब्जर्व करेंगे ना तो एक ही फंडे पे वो इंडस्ट्री थोड़ा बहुत अच्छे से चल रहा है। जब ये नई गाड़ी लॉन्च होती है ना उसका सेल बढ़ जाता है, लोग उसको लेते हैं। जैसे हुंडई क्रेटा बहुत अच्छी चल रही थी, लेकिन जैसे किया सेल्टॉस लॉन्च हो गई, हुंडई क्रेटा का सेल क्या हो गया, कम है। बिकॉज लोगों को नया चाहिए, क्रेटा में प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है, गाड़ी बहुत अच्छी है, बस सेल्टॉस इज समथिंग न्यू, डिजाइन अच्छा है, लुक अच्छा है, उसका सेल एकदम पुश हो गया। तो बाकी सभी कार मेकर का सेल कम हो गया, लेकिन किया कंपनी का सेल एकदम बढ़ गया, बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तो देखो मार्केट एक ही है, आर यू गेटिंग माय पॉइंट, फ्यू पीपल आर ग्रोइंग एंड फ्यू पीपल आर गोइंग बैक। तो क्रेटा ने उसको ऑब्जर्व नहीं किया, ऐसा अपन बोल सकते हैं टेंटेटिव बेसिस पे, ऐसा नहीं होगा, बहुत बड़ा कंपनी, बट एज फार एज दैट मॉडल इज कंसर्न डेफिनेटली। हाँ तो अभी उन्होंने भी क्या किया, नया मॉडल वो भी लॉन्च करने वाले क्रेटा का, तो वो जब लॉन्च होगा तो अगेन किया का क्या होगा, हाँ तो अगेन किया क्या करेगा, नया मॉडल लॉन्च करेगा। तो अभी ये बहुत बड़ा एक अच्छा स्ट्रेटेजी है फॉर कार मेकर जो मैंने ऑब्जर्व किया है। एग्जिस्टिंग गाड़ी लोगों को नहीं चाहिए, लोगों को कुछ तो भी नया चाहिए। सो आपको हर दिन नया करना पड़ता है। सो मैं क्या आपको बताना चाहता हूँ, ये जो एनवायरनमेंट है ये बहुत डायनामिक है। क्या है, इट विल कीप ऑन चेंजिंग एवरी नाउ एंड देन। तो आप कोई भी बिजनेस में जाओ, मतलब आपका प्रैक्टिस स्टार्ट करो बाद में, कुछ भी करो, इफ़ यू वॉन्ट टू सर्वाइव यू नीड टू बी डायनामिक। डायनेमिक का मतलब क्या है सर, ट्रेंड इज फ्रेंड। मतलब क्या है सर, जो चीज़ें हो रही है आपको उसको क्या करना पड़ेगा, पॉजिटिव वे में एक्सेप्ट करना पड़ेगा। मैं अच्छी चीज़ों की बात कर रहा हूँ, खराब चीज़ों की नहीं। तो यू नीड टू एडजस्ट योर सेल्फ अकॉर्डिंगली। तो आज के इंडस्ट्री में वही आदमी ग्रो हो रहा है जो ज़्यादा फ्लेक्सिबल है। कस्टमर के डिमांड क्या हो रहे, चेंज हो रहे। पहले देखो सैटरडे संडे शॉप बंद होते थे 15-20 साल पहले, बट मॉल का सिस्टम आने के बाद माल सातों दिन चालू रहता है, लोगों को सैटरडे संडे छुट्टी रहता है, पीपल कम फॉर शॉपिंग ओनली ऑन सैटरडे संडे। सो बिजनेस एनवायरनमेंट ऑब्जर्व करो, संडे को शॉप बंद रखेंगे तो बिजनेस कम होगा, उल्टा तुम मंडे बंद करो सैटरडे संडे ऑन रखो, वो भी गारमेंट शॉप। अभी मोस्टली कोई भी शॉप संडे को चालू रहता है बिकॉज वी प्रीफर बाइंग ओनली ऑन सैटरडे संडे। ये होता है एनालिसिस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, बट हर एक बिजनेस में नहीं चलता है वो, जिस बिजनेस में जहाँ पे कस्टमर आते हैं उसमें चलता है, लेकिन कुछ बिजनेस ऐसे भी कि जहाँ पे चल जाता है, जैसे टाटा मोटर्स, टाटा मोटर्स का कंपनी थर्सडे बंद रहता है, चलेगा क्योंकि वहाँ पे कोई शॉपिंग करने नहीं जाता है, लेकिन जो डीलरशिप है वो, उनको संडे चालू रखना पड़ेगा। तो ये होता है बिजनेस एनवायरनमेंट। तो वी नीड टू अडॉप्ट व्हाट इज हैपनिंग आउटसाइड, नहीं तो अपना बिजनेस क्या हो जाएगा, सर्वाइवल एंड ग्रोथ दोनों स्टेक पे आ जाएंगे। तो जैसे मार्केट फ्लक्चुएट करता है उसके हिसाब से वी नीड टू चेंज आवर सेल्फ। एंड एट प्रेजेंट अगर आपको सर्वाइव होना है इस बिजनेस एनवायरनमेंट में, तो एक ही चीज आपको काम को आने वाली, बताओ कौन सा ऐसा की फैक्टर है विच इज गोइंग टू गिव यू कॉम्पिटिटिव एज, दैट इज टेक्नोलॉजी। एक ही फैक्टर पे आप जीवित रहने वाले, क्या है, हाँ एग्जाम्पल देता हूं, जब भी आप मोबाइल खरीदने जाते हो, बोलो आप सेम मॉडल प्रिफर करते हो या यू एक्सपेक्ट समथिंग न्यू, करेक्ट। सेम मोबाइल लेना तो आप क्यों लेंगे, बोलेंगे उसमें फंक्शन तो एक ही हो रहा है, वाई शुड बाय न्यू मोबाइल, तो वही मोबाइल चलने दो, आर यू गेटिंग माय पॉइंट। तो ये सबसे बड़ा की फैक्टर है ब्रो, आज का पूरा इंडस्ट्री एक ही फैक्टर चल रहा है, कौन सा, टेक्नोलॉजी। जहां जहां पे बेटर टेक्नोलॉजी वहां पे कस्टमर अट्रैक्ट होता है कि नहीं होता है, होता है। वी ऑल्सो लव टेक्नोलॉजी बिकॉज टेक्नोलॉजी से अपना काम ईजी हो जाता है, आसान हो जाता है। एक एग्जाम्पल देता हूँ, मेरा कपड़े का शॉप है, आपका भी कपड़े का शॉप है, आपने ऐप बना के रखा है, मैंने ऐप बना के नहीं रखा है, कहाँ पे सेल बढ़ेगा, ऐप। बस ये है एनालिसिस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। मैंने ऑब्जर्व नहीं किया कि कस्टमर ना हो, उनको टाइम नहीं मेरे शॉप में आने के लिए, बोले बस मेरा मटेरियल अच्छा रहेगा तुम्हारे से, लेकिन कन्वीनियंस एंड कम्फर्ट तुम उसको दे रहे हो तो नेचुरली तुम्हारा सेल बढ़ेगा। दिस इज कॉल्ड एज ऑब्जर्वेशन। तो ये अपन पढ़ने वाले, इसको बोलते हैं एनवायरनमेंट। बोल अभी आपने ऑब्जर्व किया, आपका फायदा हो गया। मैंने ऑब्जर्व नहीं किया, आई वॉज वेटिंग फॉर कस्टमर टू कम, आएंगे कस्टमर के पास 100% नहीं आएंगे, तो क्या होगा, गड़बड़ होगा कि नहीं होगा, 100% गड़बड़ होगा।
मेरा सेल कम होगा, आपका सेल बढ़ेगा, क्योंकि आपने कस्टमर के डिमांड को आइडेंटिफाई किया है. क्या किया है? आइडेंटिफाई किया है. तो इसको बोलते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट. पहले प्रोडक्ट खरीदने के बाद एक्सचेंज नहीं होते थे मॉल में, 30 डेज तक एक्सचेंज होता है, क्योंकि ऑनलाइन में भी 30 डेज का अलाउड है. सो दे हैड टू डू इट, नहीं करेंगे तो सेल नहीं होगा. देखो बिजनेस एनवायरनमेंट, लोग कर रहे तो अपने को करना पड़ता है, ठीक है ना. तो अपन पढ़ते, आपको आइडिया क्या है? तो ये चैप्टर किसके लिए इंपॉर्टेंट है बताओ? सर्वाइवल एंड ग्रोथ. एंड मैं आपको एक फंडा बताता हूँ, आप कोई भी बिजनेस में हो, कोई भी प्रोफेशन में हो, अगर आपको आगे बढ़ना है तो क्या करना है? आपको ये काम करना है जो कॉम्पिटिटर नहीं कर रहा है. आपको क्या करना है? सी कॉम्पिटिशन हर एक, आप जब आपको प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे, आप जब जॉब करेंगे, तो आपको कॉम्पिटिशन फेस करना है कि नहीं करना है? सबको फेस करना है. आज हम फेस कर रहे हैं, आगे जाके आपको फेस करना है. तो जो कॉम्पिटिशन को बीट करेगा उसका जियो. देखो आइडिया कितनी पुरानी कंपनी थी, लेकिन जियो ने 2 साल में सबको पीछे डाल दिया. क्यों? 100% फ्री कॉलिंग कर दिया. जो आइडिया ने नहीं किया, इनोवेशन टेक्नोलॉजी. जियो ने 2 साल में इतना मार्केट क्यों पकड़ा मेरे को बताओ? लोग जियो का कार्ड क्यों लेते थे? फ्री कॉलिंग. पहले एक पैसा पर कॉल था, 2016 में जियो आ गया, फुकट हो गया. फुकट हो गया कि नहीं? अभी कितना मजा था फुकट में कॉलिंग है, लेकिन अभी भी 6 पैसा कर दिया अभी. एनीवेज मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको, ठीक है. चलो तो हम पढ़ते हैं, आइए आगे. पहला, अच्छा इसमें ये सब दिया है, ये क्या क्या मैं आपको पढ़ाने वाला, तो इसको अभी जानने की जरूरत नहीं है. आइए पहले, ठीक है, देखो ये एक पॉइंट पढ़ रहा हूं मैं, पहले पेज नंबर 2 पे दिया है. द नेचर ऑफ ग्लोबल बिजनेस एनवायरनमेंट गारंटी दैट नो मैटर हाउ हार्ड वी वर्क टू क्रिएट स्टेबल एंड हेल्दी ऑर्गेनाइजेशन, आवर ऑर्गेनाइजेशन विल कंटिन्यू टू एक्सपीरियंस ड्रामेटिक चेंजेस फार बियॉन्ड अवर कंट्रोल. किसने बोला है? मार्गरेट. मतलब क्या बोला है कि इसका नेचर, मैंने कहा ना बिजनेस एनवायरनमेंट का नेचर क्या है? डायनामिक है. क्या है? डायनामिक है. मतलब आप कितना भी करो वो चेंज, मतलब तुम्हारा बिजनेस की पॉलिसी कितने भी स्टैंडर्डाइज हो, लेकिन जैसे मार्केट चेंज होगा आपने को खुद को क्या करना पड़ेगा? चेंज करना पड़ेगा. वो सो रहा है क्या? एक दो मिनट कंट्रोल करना, मैं बता दो कब सोना है. सो नहीं रहे हो ना? नहीं, ठीक है, मेरे को पूछ के सोना है, मैं बताऊंगा, क्योंकि मैं इंपॉर्टेंट पढ़ा रहा हूँ ना. एक दो मिनट दो. नहीं आपको नींद, देखो नींद आना स्टूडेंट को लॉजिकल है, तो मैं बोलता कि तुम मेरे को पूछो पहले फिर सो जाना, इंपॉर्टेंट में नहीं सोना है. मैं बताऊंगा कि भाई अभी, हाँ अभी तुम सो सकते हो, तब तक जागते रहो, ये तो अपन एग्जाम में सो जाएंगे, है ना. तो खुद को बोलना है कंट्रोल. एंड नींद आती है तो बेंच पे खड़ा रहना है, नींद आती है तो. या फिर दोस्त को बोलना है कि मैं जब सोऊंगा तो खिंच के मारने का, मतलब नींद निकल जाती है ना. जब मैं पढ़ता था हमने ऐसा डिसाइड किया था, हमको ही क्लास में नींद आती था, हमने डिसाइड, एक दोस्त ने बोला था विपुल अपन ऐसा करते हैं जो सोएगा उसको जोर से खींच के मारेंगे, तो 2-4 लोगों को लगे थप्पड़, बाद में सब ऐसे, इसके बाद में नींद ही नहीं आया क्लास में, डर के मारे ऐसे पकड़ के बैठते थे, क्योंकि दोस्त कितने कमी होते आपको पता ही है. मारने के लिए मौका मिल रहा है कौन छोड़ेगा, ऑफिशियल कायदे से मार रहे और उसका, है ना. चलो आइए, नाउ इंट्रोडक्शन. अकॉर्डिंग टू बर्नार्ड, अभी आपके लिए दोस्तों एक चैलेंज आज ही बता रहा हूँ, ये जो अलग अलग ऑथर्स है इनके एग्जाम में नाम पूछते हैं, ये डेफिनेशन किसने लिखा है, और ऐसे बहुत सारे 40-50 आएंगे, तो इसको एक बार पढ़ के रखना है, एग्जाम में याद आएगा तो ठीक, नहीं आया तो भी ठीक, क्योंकि ये लर्न करना प्रैक्टिकली बहुत डिफिकल्ट है, बट इंस्टीट्यूट ऐसे MCQ पूछती है, तो अभी ये नाम एक द्वारा पढ़ के रखो, याद आएगा तो ठीक, नहीं तो फिर कुछ नहीं हो सकता है. एनवायरमेंट कंसिस्ट ऑफ एटम्स एंड मोलिकुलर एग्लोमरेशन ऑफ थिंग्स इन मोशन, लाइफ ऑफ मैन एंड इमोशंस, मतलब उसमें क्या क्या इंक्लूड है ये सब दिया है. और फिजिकल एंड सोशल लॉ मैं आपको बताता हूँ सब, सोशल आइडियाज, नॉर्म्स ऑफ एक्शन, ऑफ फोर्सेस एंड रेजिस्टेंस. द नंबर ऑफ नंबर इज इन्फाइनाइट एंड दे आर ऑलवेज प्रेजेंट, दे आर ऑलवेज चेंजिंग. एनी बिजनेस वर्क विद इन द फ्रेमवर्क प्रोवाइड बाय द वेरियस एलिमेंट ऑफ सोसाइटी. एनवायरमेंट इंक्लूड्स ऑल द कंडीशंस एंड सर्कमस्टेंसेस इन्फ्लुएंस
surrounding and affects the total organization. बस इतना भी हाईलाइट करो. और एनी ऑफ इस पार्ट, बिजनेस इज ऑल अराउंड अस, इट हैज अ रोल टू प्ले इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ अवर लाइफ. एवरी एक्टिविटी ऑफ ह्यूमन बींग इन्वॉल्व बिजनेस टू सेटिस्फाई अनलिमिटेड वॉन्ट्स एंड डिजायर. डिस्पाइट बींग यूनिवर्सल एंड प्राइमरी फीचर ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस, इट इज नॉट पॉसिबल टू डिफाइन बिजनेस विथ प्रिसीजन. ठीक है, तो ये उन्होंने दिया है कि एनवायरमेंट में क्या क्या इंक्लूड है. करेक्ट ना, तो सब कुछ इंक्लूड ने बोला है. मोशन, अलाइव ऑफ मेन इमोशंस, फिजिकल एंड सोशल लॉ, सोशल आइडियाज, नॉर्म्स ऑफ एक्शन, ये सब मैं आपको धीरे धीरे पढ़ाने वाला हूँ. तो ये अपन चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. बस अभी ये नाम अभी ध्यान में रखना, बाकी डेफिनेशन काम का नहीं है. ये डेफिनेशन किसने लिखा ये एग्जाम में पूछते हैं. तो ये जो कंटेंट बाद में, पहले नाम. तो क्या नाम है उनका? बर्नार्ड. ये ध्यान में रखना, इन्होंने डेफिनेशन लिखा है, उसका एक एक पार्ट अपन डिस्कस करने वाले हैं. अभी देखो, मीनिंग ऑफ बिजनेस एनवायरमेंट, पहला पॉइंट. बिजनेस में भी अंडरस्टूड एज ऑर्गेनाइज एफर्ट्स ऑफ एन एंटरप्राइज टू सप्लाई कंज्यूमर विद गुड्स एंड सर्विस फॉर अ प्रॉफिट मोटिव, जो अपन ने डिस्कस किया था. व्हाट इज बिजनेस? एनी एक्टिविटी डन विद द इंटेंशन ऑफ गेटिंग प्रॉफिट. एक्टिविटी में गुड्स भी हो सकता है या फिर सर्विस भी हो सकता है. मैं जो भी हाईलाइट कर रहा हूँ आपको हाईलाइट करना है. मैं जहाँ पे गोले मारूंगा आपको गोले मारना है, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट चीजें हैं. बिजनेस वेरी इन साइज एज मेजर्ड बाय द नंबर ऑफ एम्प्लॉय और सेल्स वॉल्यूम, बट ऑल बिजनेस शेयर वन कॉमन पर्पज, दैट इज टू अर्न प्रॉफिट. यस, हर एक बिजनेसमैन का बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है? टू अर्न प्रॉफिट. बट खाली प्रॉफिट अर्न करना बिजनेस का काम नहीं. सुनो, एक बिजनेसमैन जब बिजनेस करता है ना, उसको तो पैसा मिलता है, उसका फायदा पूरे सोसाइटी को होता है. बोलो, रिलायंस है, टाटा है, बिरला है, ये बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं और बहुत सारे हैं. वो लोग तो बड़े हुए, बट उनके वजह से देश का फायदा हुआ है क्या? हुआ है ना, बताओ कौन से फॉर्म में हुआ है? एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया कि नहीं? दिया है. गवर्नमेंट को टैक्स मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? देश का GDP बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? बढ़ रहा है सर. ये लोग जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं उससे फॉरेनर्स इंडिया में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? दीज आर कॉल्ड एज अ सोशल बेनिफिट्स. अच्छा, जब एक बड़ा रिलायंस बनता है तो उसको सपोर्ट करने लिए छोटे छोटे बिजनेसमैन बनते हैं कि नहीं बनते हैं? तो नए नए अच्छा, वो बिजनेसमैन और लोगों को एम्प्लॉय करेंगे, प्लस रिलायंस कंपनी में बहुत सारे लाखों एम्प्लॉय रहेंगे. टाटा सन्स वर्ल्ड वाइड मोर देन 600,000 एम्प्लॉयज. टाटा ग्रुप के वर्ल्ड वाइड कितने एम्प्लॉयज है? दीज आर नॉट 600,000 एम्प्लॉयज, 600,000 फैमिलीज. तो ये कितना बड़ा काम बिजनेस करता है, ये यहाँ पे दिया है. सो प्रॉफिट अर्न करना तो उनका मेन इंटेंशन है, बट बियॉन्ड दैट देखो क्या क्या करते हैं सोसाइटी के लिए. इट इज एन इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन इन सोसाइटी. यस, जॉब क्रिएशन करते हैं फॉर सप्लाई ऑफ गुड सर्विस, क्रिएटिंग जॉब अपॉर्चुनिटी, ऑफरिंग बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ. यस, बाय प्रोवाइडिंग बेटर क्वालिटी एंड गुड्स. आपका लाइफ अच्छा हुआ है कि नहीं हुआ है? हुआ है. मोबाइल से आपका लाइफ अच्छा हुआ है कि नहीं हुआ है? हुआ है. ईजी हुआ है, कम्युनिकेशन फास्टर हुआ है, कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द इकोनॉमिक ग्रोथ. इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है? हो रहा है. कैसे? GDP बढ़ रहा है, एक्सपोर्ट बढ़ रहा है, फॉरेन करेंसी आ रहा है, ये फायदे हैं. तो ये एग्जाम में पूछते हैं कि सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव क्या है बिजनेस के. तो ये अच्छे से पढ़ना है, इंपॉर्टेंट है, उसको स्टार मार्क करके रखो. नाउ ठीक है, हेंस इट इज अंडरस्टैंड दैट द रोल ऑफ बिजनेस इज क्रूशियल फ्रॉम द पॉइंट व्यू ऑफ इंडिविजुअल्स एंड नेशनल सोसाइटी एज वेल. मतलब बिजनेस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, अपने लिए इंपॉर्टेंट है एंड नेशन के लिए भी इंपॉर्टेंट है. सोसाइटी कैन नॉट डू विदाउट बिजनेस. ओके, सिमिलरली इट रिक्वायर्ड नो एम्फसिस दैट बिजनेस नीड्स सोसाइटी एज मच. मॉडर्न बिजनेस इज डायनामिक. यस, एवरीडे चेंजेस हो रहे कि नहीं हो रहे? सर एक एग्जाम्पल दो ना, बताता हूँ. जब 500 एंड 1000 के नोट्स बैन हुए, आई थिंक 8 नवंबर, एम आई राइट? है ना, तो पहले टी स्टॉल पे अपन कैश लेते थे. जैसे नोट बैन हो गए, टी स्टॉल वालों ने क्या किया, पेटीएम पे शिफ्ट हो गए. अभी चाय पे तो भी पेटीएम एक्सेप्ट करते हैं. देखो चेंज इज डायनामिक. एक ओवरनाइट उन्होंने कैश ट्रांजेक्शन मतलब रुक कर दे, बंद कर दिया, तो लोगों के पास करेंसी का शॉर्टेज था. लेकिन बिजनेस तो करना पड़ेगा, तो सब लोग बाय डिफॉल्ट किस पे शिफ्ट हो गए? ऑनलाइन पे शिफ्ट हो गए. अच्छा, ऑनलाइन से फायदा क्या हो गया? ऑनलाइन से फायदा ये हो गया कि उनका इनकम लीगल हो गया. जो ये टी स्टॉल वगैरह ये सब कैश में बिजनेस करते, कुछ भी दिखाते नहीं है. कुछ लोग दिखाते रहेंगे बट मेजोरिटी नहीं दिखाते. तो बैंक में आने की वजह से उनको क्या करना पड़ा? इनकम दिखाना पड़ा, रिटर्न फाइल करना पड़ेगा, गवर्नमेंट का टैक्स का रेवेन्यू बढ़ गया. एंड खाली टैक्स का नहीं बढ़ गया, गुड्स के ऊपर मिलने वाला रेवेन्यू भी क्या हो गया? खरीदने वाला भी कायदे से टैक्स देने लगा. तो ये फायदा हो गया.
तो ये एक एग्जांपल दिया मैंने कि चेंज, और ये एवरीडे चेंजेस होते हैं क्या? यस, हर दिन चेंजेस होते ही रहते हैं. इफ देयर इज एनी सिंगल वर्ड दैट कैन बेस्ट डिस्क्राइब टुडेज बिजनेस इज चेंज. तो नाउ डेज ओनली वन थिंग इज कॉन्स्टेंट, दैट इज चेंज. हर दिन नए चेंजेस होने वाले हैं, तो आपने को क्या करना है? वी नीड टू बी फ्लेक्सिबल टू अडॉप्ट दो चेंजेस, बिकॉज वी कैन नॉट स्टॉप चेंजेस एंड वी कैन नॉट अवॉइड चेंजेस. अगर अपने चेंज को एक्सेप्ट नहीं किया तो अपन बाहर हो जाएंगे, क्योंकि बिजनेस तो बदल रहा है एंड कस्टमर के हिसाब से अपने को डायनामिक होना ही पड़ेगा. एम आई राइट और रॉन्ग? यस. एंड इट इज अ चेंज दैट मेक्स कंपनी स्पेंड सब्सटेंशियली ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट. जो मैंने आपको कहा था कि अगर आपको सर्वाइव होना है, बोलो क्या करना पड़ेगा, बताओ. टेक्नोलॉजी आपके पास बेटर चाहिए ना कस्टमर को पुल करने के लिए. एंड टेक्नोलॉजी कब आएगा? टेक्नोलॉजी मतलब आपको नए नए इन्वेंशन करने पड़ेंगे, मतलब यू नीड टू स्पेंड मोर मनी ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट. इनोवेशन करने पड़ेंगे, क्रिएटिविटी लाना पड़ेगा, तो ही आपका बिजनेस क्या होगा, ग्रो होगा. टू सर्वाइव इन द मार्केट, जैसे अभी अगर आप देखेंगे कार में, जैसे मारुति कंपनी ने कॉम्पिटिशन को बीट करने के लिए उनके कार में एक सिस्टम लगवाया, जिस ऐप से आप आपकी गाड़ी को क्या कर सकते हो, ट्रैक कर सकते हो. देखो इट इज समथिंग न्यू, फिर सभी लोगों ने ला दिया. R&D इसको बोलते हैं, कि कुछ तो भी नई चीज़ें क्या करना है, इम्प्लीमेंट करना है. इसके वजह से कार का सेल बढ़ गया. मतलब अभी आपकी कार ड्राइवर कहाँ पे लेके जा रहा है, आप आपके ऐप पे उसको मॉनिटर कर सकते हो. चोरी होने के काम क्या हो गए, कम हो गए. GPS ट्रैकर लगाया जाता है कार में, ताकि आपकी गाड़ी कहाँ पे, समझ में आता है. स्टूडेंट क्लास को गया है या गरवारे ब्रिज पे जाके बैठा है, समझ में आता है. तो आपको पता नहीं आपके सबके गाड़ी में GPS ट्रैकर लगा हुआ है, संभल के रहो. आप बोलेंगे सर हम दूसरे की गाड़ी पे जाएंगे, हाँ वो हो सकता है, चल के जाएंगे हो सकता है, ओला उबेर वो भी हो सकता है ना. तो चेक करो कि आपके गाड़ी में GPS ट्रैकर तो नहीं लगा है ना पेरेंट्स ने, तुम्हारी गाड़ी पे तो लगा है. मजा कर रहा हूँ मैं. ओके, नाउ आर आई डेफिनेशन. एनवायरमेंट रिफर्स टू ऑल फोर्सेस विच आर बेयरिंग ऑन द फंक्शनिंग ऑफ बिजनेस. बोलो ये एनवायरमेंट को जो चेंजेस होंगे इसके आपके बिजनेस पे इंपैक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है. बोलो नोटबंदी का बिजनेस पे इंपैक्ट हुआ क्या? हुआ. प्लास्टिक बैन का इंपैक्ट हुआ क्या? हो गया. हर एक होता है कि नहीं, कोई भी चेंज होता है तो फिर हो गए. नाउ दे कैन बी फोर्सेस ऑफ इकोनॉमिक, ये मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, सोशल पॉलिटिकल एंड टेक्नोलॉजिकल फैक्टर अपार्ट फ्रॉम इंटरनल फोर्सेस. दोस्तों ये जो चार है ना, ये एक्सटर्नल है और ये इंटरनल है. ये मैं एक एक के ऊपर बड़ा बड़ा डिस्कशन करने वाला हूँ. तो ये चार पार्ट में डिवाइड किया, इकोनॉमिक फैक्टर, सोशल फैक्टर, पॉलिटिकल फैक्टर, मतलब जो मैंने कहा अभी है ना, पॉलिटिकल, गवर्नमेंट का पॉलिसी चेंज हो गया. अरे सरकार बदल गई तो प्रॉब्लम होता है. जैसे महाराष्ट्र में BJP थी, अभी शायद शिवसेना की आएगी, तो अगेन पूरे पॉलिसी क्या होंगे, चेंज होंगे. एंड सबसे बड़े नुकसान किसका होता है पता है? जो गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्टर है ना, उनका नुकसान है. कैसे? अरे पहले सभी कॉन्ट्रैक्टर BJP के, अभी कांग्रेस आ गया शिवसेना, अभी सभी कॉन्ट्रैक्टर शिवसेना के पहचान के. ऐसा नेचुरल इन्फ्लुएंस होगा ना, जब मैं जाऊंगा उस पोजिशन पे तो मेरे जो पहचान उनको ही काम दूंगा, क्योंकि मेरा उन पे भरोसा है. ये तुम्हारा आदमी था, तुम रखो तुम्हारे पास. देखो अभी जो लोग, नहीं नहीं सुनो, जिन लोगों ने BJP के भरोसे बहुत सारे बिजनेस में इन्वेस्टमेंट किए थे, नाउ उनका BP हाई हो चुका है. क्यों? अभी नया गवर्नमेंट क्या पॉलिसी लेके आएगा. देखो डायनामिक, खेल खत्म. बड़े बड़े BJP के उनको प्रोजेक्ट मिलने वाले थे, वो अभी स्टेक पे आ गए. क्यों? अभी शिवसेना के लोग किनको देंगे? लॉजिकल, कुछ उसमें गलत कुछ नहीं है. चलो, एनवायरमेंट फैक्टर्स आर लार्जली इफ नॉट टोटली एक्सटर्नल बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ इंडिविजुअल एंटरप्राइजेस. यस, तो बोलो एक्सटर्नल फैक्टर आप कंट्रोल कर सकते हैं या नहीं कर सकते? नहीं कर सकते. कैन यू कंट्रोल गवर्नमेंट पॉलिसी? कैन यू कंट्रोल नोटबंदी? नथिंग कैन बी डन. कैन यू कंट्रोल बारिश? नो. बारिश से कितना नुकसान, महाराष्ट्र में तो बहुत नुकसान हुआ इस बार. फ्लड आ गया, फ्लड आने से लोगों के घर बह गए है ना. बच्चे बोले से घर जाने दो, स्कूल को छुट्टी मिले बहुत बड़ी बात है, स्कूल कॉलेज को, घर भी तो बनते रहेंगे. स्टूडेंट खुश हो गए, क्लास को छुट्टी, स्कूल को छुट्टी, सही है कि नहीं? हाँ हाँ. एंड सबके लिए गवर्नमेंट ने फ्री स्विमिंग पूल बनवा के दिया था घर के सामने. लोग बोलते ना गवर्नमेंट हमारे कुछ नहीं करता,
इंडियन गवर्नमेंट करता है, बारिश में हर एक के घर के सामने पर्सनलाइज स्विमिंग पूल होता है। नहीं, लोग बोलते ना गवर्नमेंट वाले कुछ नहीं कर रहा है, आप विजुलाइज नहीं करते। तो ये जो खड्डे होते हैं ना, खड्डे नहीं, आप अच्छे सेंस में लो उसको, दीज आर पर्सनलाइज स्विमिंग पूल, यू कैन जंप इन टू इट। बाहर कहाँ से हो गया बोल नहीं सकते, है ना। तो देखो, द बिजनेस एनवायरमेंट पजेस थ्रेट टू द फर्म एंड ऑफर्स इमेंस अपॉर्चुनिटी फॉर पोटेंशियल मार्केट एक्सप्लोरेशन। अभी देखो ये क्या बोलना चाह रहा है, जरा सुनो। ये एनवायरमेंट आपके लिए थ्रेट भी और अपॉर्चुनिटी भी है। कैसे, मैं आपको बेस्ट एग्जाम्पल देता हूँ, सुनिए। दो साल पहले हम लाइव पढ़ाते थे, अभी भी लाइव पढ़ा रहे हैं। फिर आ गया हम ऑनलाइन का मार्केट। ऑनलाइन मतलब कि आपको पता है, घर पे बच्चे देखते हैं, क्लास में नहीं, घर पे देखते हैं। अभी देखा जाए तो हमारे लिए थ्रेट भी है, क्यों? क्योंकि लाइव के बच्चे ऑटोमेटिक क्या हो जाएंगे, कम। बट मेरे लिए अपॉर्चुनिटी भी है, क्यों? पहले मेरा स्टूडेंट खाली इंडिया में नहीं था, पुणे में था। नाउ माय कस्टमर इज, हाँ, मार्केट एक्सपांड हो गया। तो जो बंदा रोते बैठेगा और क्या होगा मेरा, उसके लिए थ्रेट है। बट जो बंदा फटाफट रिकॉर्डिंग करेगा एंड उस मार्केट को भी एक्सप्लोर करेगा, उसके लिए क्या होगा, वो अपॉर्चुनिटी होगा। उसके लिए क्या होगा, वो अपॉर्चुनिटी होगा। तो ये जो चेंजेस आते हैं, जिसने चेंज को पहले ऑब्जर्व किया है, उसके लिए वो थ्रेट नहीं है, उसके लिए वो अपॉर्चुनिटी, बिकॉज इज ऑलरेडी रेडी फॉर दैट चेंज। उसने उसके हिसाब से ही स्टार्ट, मैंने खुद का रिकॉर्डिंग 4 साल पहले स्टार्ट कर दिया था, लोगों ने आज किया है। मैंने पहले ऑब्जर्व किया था कि ऑनलाइन के ट्रेंड में ये सब होने वाला है। अभी उससे एक बड़ा ट्रेंड आने वाला है, जिसमें मैंने काम करना स्टार्ट कर दिया है। बताऊंगा मैं आपको, जब भी सही एग्जांपल आएगा तो बताऊंगा। आप डरो मत, आपका सिलेबस कंप्लीट करूंगा मैं। हाँ, ओके। द सक्सेस स्टोरी ऑफ एवरी बिजनेस डिपेंड्स ऑन, ये कुछ काम का नहीं है, छोड़ दो अपन, ये कट कर दो, ये कट कर दो, पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इस पेज में मैंने जो जो हाईलाइट किया, आपने किया है क्या? अभी आपको इस पेज पे कोई डाउट है क्या? एग्जाम में क्या 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 बता दो, ये स्टार करो और ये स्टार करो। तो ये 3 पॉइंट स्टार करो, किया आपने, और ऊपर वो नाम को स्टार करो, कौन सा ये, उनका नाम आपको लर्न करना है। बर्नार्ड, बर्नॉल नहीं, बर्नार्ड, ठीक है। ये 3 आपको लर्न करना है। चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। अभी पहला, मैं पहले अंडरलाइन करता हूँ, एक एक एक्सप्लेन करता हूँ। पहला है टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर, बताता हूँ। दूसरा स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस। तीसरा डायनेमिक। फोर्थ अनसर्टेनिटी है, रिलेटिविटी है एंड मल्टीफेसेटेड है, ठीक है। पहला, टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर का मतलब क्या है? ये एनवायरनमेंट, देखो क्या लिखा है, ये सब चीजें एक्सटर्नल। देखो, बिजनेस एनवायरनमेंट इज द सम टोटल ऑफ ऑल थिंग्स एक्सटर्नल टू द बिजनेस एंड एज सच इज एग्रेसिव इन नेचर। मतलब मेजोरिटी चेंजेस एक्सटर्नल होते हैं। अभी ये स्टेटमेंट पार्शली करेक्ट है, कुछ चेंजेस इंटरनल भी होते हैं। बट इन्होंने फिर ऐसे किया सर, मॉडल गलत नहीं, बराबर है। इंटरनल चेंजेस अपने हाथ में होते हैं, आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। एक्सटर्नल चीजें आपके हाथ में नहीं है, उसको कंट्रोल करना डिफिकल्ट है, इसलिए उन्होंने आपको दिया है। लो, मेरे फैक्ट्री में स्ट्राइक हो गया, कैन आई कंट्रोल इट और नॉट? यस, बाय टेकिंग अप्रोप्रिएट स्टेप्स आई कैन कंट्रोल इट। मेरे कंपनी में एब्सेंटिज्म ज्यादा, कैन आई कंट्रोल इट? यस। सो वो चीजें मेरे हाथ में है, पॉसिबल है। लेकिन बताओ, एक्सटर्नल फैक्टर मेरे हाथ में है क्या? गवर्नमेंट ने नोटबंदी कर दी, मेरे हाथ में है? नहीं। बारिश मेरे हाथ में है क्या? नहीं है। प्लास्टिक बैन मेरे हाथ में है क्या? नहीं। गुटखा बैन मेरे हाथ में है क्या? नहीं। लीकर बैन है बहुत सारे स्टेट्स में, सारे स्टेट में, दुखी मत हो, यहाँ पे नहीं है, है ना, कुछ लोग दुखी हो। तो उनका कहना है, तो यहाँ पे देखो, देखा जाए तो उन्होंने एक्सटर्नल पे फोकस किया, इंटरनल भी है, बट इंटरनल टू एक्सटेंड वी कैन कंट्रोल इट। एक्सटर्नल तो बियॉन्ड कंट्रोल है, वो आएंगे तो अपने को फेस करना है, इसलिए बोला एग्रेसिव इन नेचर, उसको कोई इलाज नहीं है। दूसरा स्पेसिफिक एंड जनरल फैक्टर। तो ये जो चेंजेस आते हैं, दो पार्ट में आते हैं। देखो, व्हाट इज स्पेसिफिक एंड जनरल, मैं पढ़ रहा हूँ। स्पेसिफिक फैक्टर का मतलब है इन्वेस्टर, कस्टमर, कॉम्पिटिटर एंड सप्लायर, इसको बोलते हैं स्पेसिफिक फैक्टर्स। मतलब इनके वजह से बिजनेस में चेंज आ रहा है।
मतलब कस्टमर का रिक्वायरमेंट चेंज हो गया है तो आई नीड टू चेंज माई प्रोडक्ट, एक्सटर्नल फैक्टर. कॉम्पिटिशन, कॉम्पिटिटर नया स्ट्रेटेजी लेके आया है तो मेरे को मेरा स्ट्रेटेजी बदलना पड़ेगा, एक्सटर्नल फैक्टर. सप्लायर ने उनके पॉलिसी चेंज कर दिए, उन्होंने बोला कि सर एडवांस देंगे तो मटेरियल सप्लाई करेंगे नहीं तो नहीं करेंगे. सो मेरे को अगेन मेरे पॉलिसी बदलने पड़ेंगे. इन्वेस्टर के एक्सपेक्टेशन बढ़ गए तो अगेन मेरे को मेरा बिजनेस का स्ट्रेटेजी क्या करना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा. तो ये स्पेसिफिक फैक्टर्स है. अभी मेन चीज मैंने आपको एक्सप्लेन नहीं की है. सर स्पेसिफिक और जनरल में पहले फर्क क्या बताओ, ये पहले समझ लो. स्पेसिफिक मतलब जो मेरे ही बिजनेस को अफेक्ट करता है, जनरल का मतलब है वो सभी बिजनेस को अफेक्ट करेंगे, ये पहले समझ लो. तो मेरा कस्टमर मेरे से नाराज है तो वो अफेक्ट मेरे बिजनेस को करेगा, उसके बिजनेस को नहीं. स्पेसिफिक मतलब विच इज स्पेसिफिक टू माई बिजनेस ओनली, तो उसको बोलते हैं स्पेसिफिक फैक्टर. पहले लॉजिक समझा क्या, फैक्टर्स पे ध्यान मत दो, लॉजिक समझ लो. तो बोलो व्हाट इज स्पेसिफिक, जो मेरे ही बिजनेस को अफेक्ट करता है. व्हाट इज जनरल, बोलो प्लास्टिक बैन किया मेरे बिजनेस को अफेक्ट होगा या सभी बिजनेस को होगा, सभी बिजनेस को होगा, है ना. एंड अफेक्ट इंडिविजुअल एंटरप्राइज डायरेक्टली इमीडिएटली इन देयर डे टू डे वर्किंग, जनरल फैक्टर्स आर सोशल पॉलिटिकल लीगल टेक्नोलॉजिकल कंडीशन हैव इंपैक्ट ऑन ऑल द बिजनेस एनवायरनमेंट. यहाँ पे ऑल लिखा है तो ये दो वर्ड देखो, यहाँ पे लिखा है इंडिविजुअल एंटरप्राइजेस, यहाँ पे लिखा है ऑल. तो स्पेसिफिक फैक्टर विल अफेक्ट ओनली योर ऑर्गेनाइजेशन, जनरल फैक्टर विल अफेक्ट ऑल. एग्जाम्पल देता हूँ, प्लास्टिक बैन, बोलो ये जनरल फैक्टर या स्पेसिफिक है, सभी बिजनेस को अफेक्ट होगा, बराबर है कि नहीं. लेकिन मेरे सप्लायर मेरे कंपनी से खुश नहीं है क्योंकि मैं उनको टाइमली पेमेंट नहीं दे रहा हूँ, ये स्पेसिफिक फैक्टर है. वो मेरे को सप्लाई नहीं करेंगे तो मेरे बिजनेस का प्रॉब्लम बढ़ेंगे, तो ये मेरे हाथ में है. तो ये अलग अलग क्यों दिया सर, लॉजिक. स्पेसिफिक फैक्टर कैन बी कंट्रोल क्योंकि टू सर्टन एक्सटेंट, क्योंकि मेरे हाथ में है. जनरल फैक्टर कंट्रोल नहीं है तो उसको क्या करना है सर, फेस करना है. क्या करना है, तो आपके लाइफ में भी काफ़ी सारे ऐसे ड्रामेटिक चेंजेस आएंगे जो आपके हाथ में नहीं है. तो व्हाट इज टू बी डन सर इन दैट केस, एक्सेप्ट इट. सी ए पैटर्न एमसीक्यू का कॉम्प्रिहेंसिव हो गया, मतलब थेरोटिकल हो गया. स्टूडेंट पैनिक होना स्टार्ट करते थे, अरे कुछ नहीं होगा, एक्सेप्ट करो. तुम क्या करोगे पैनिक होकर, मेरे को बताओ. हाँ दो दिन रोगे, बाद में जाओगे ना एग्जाम में, क्या कोर्स छोड़ दोगे, जाओगे ना फिर क्यों रो रहे हो. तो मैं आपको माइंडसेट बना रहा हूँ कि आपके लाइफ में ऐसे बहुत सारे चेंजेस होंगे, उसको एक्सेप्ट करके आगे बढ़ोगे तो मज़ा आएगा, प्रेशर लोगे तो पीछे हट जाओगे. आजकल अभी बिजनेस ऐसा हो गया ना, दो ही लोग सर्वाइव कर सकते हैं इन एरी एरिया ऑफ वर्क, दिस इज माय ऑब्जर्वेशन. दो ही लोग अभी आगे जाएंगे, मतलब आपके पास दो ही ऑप्शन भगवान ने रखे, आइदर यू ग्रो और डाई, इन बिटवीन नहीं होगा. सो आइदर यू बिकम बेस्ट इन दैट एरिया, एंड तुम बेस्ट नहीं बने तो फिर स्ट्रगल तुम्हारा कंटिन्यू रहेगा. समवन विल डोमिनेट यू, समवन विल, अगर डोमिनेशन नहीं पसंद तो फिर बिकम नंबर वन इन दैट फील्ड. तो आप जब लोग सीएस कर रहे हैं, सीएस तो सभी बनने वाले हैं, सो यू हैव टू क्रिएट यूनिक पोजीशन फॉर योरसेल्फ, देन यू विल गेट गुड पैकेज. सो वो आपको देखना है कि आप कहाँ पे, आप में स्पार्क कहाँ पे, कौन सा एरिया अपना स्ट्रेंथ है, वो देख के उस पर आप काम करो. सो एग्जाम्पल दो, एग्जाम्पल देता हूँ, फाउंडेशन में क्या कर सकते हैं, स्पेशल रैंक लेके आओ, मजा आ जाएगा. जॉब में फायदा होगा, अरे 100% होगा, रैंक लेके आना, मजा के क्या. You have to create uniqueness, ठीक है. ओके, डायनेमिक का मतलब क्या है, हर बार क्या होगा, चेंज होगा. कैन यू कंट्रोल इट, नो. एग्जाम्पल बोलो, कस्टमर का प्रेफरेंस चेंज हो रहा है कि नहीं, हर दिवाली में कपड़े का स्टाइल चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है. हेयर स्टाइल तो कितने चेंज होते हैं, वो इंसान है क्या, मंकी है, समझ में नहीं आता. ऐसे नए नए हेयर स्टाइल मुंह में दिखाते हैं ना, ऐसे कितने भारे भारे हेयर स्टाइल निकले हैं. जितना पढ़ा नहीं करता उतना हेयर स्टाइल बनने में उसको समझ आता है. शिफ्ट इन कंज्यूमर प्रेफरेंस, तो जिसका शॉप है सलून का, उसके लिए तो बहुत बड़ा चैलेंज है. वो हर दिन फोटो लेकर आता है, भाई सलमान ने ऐसा किया, मेरे को ऐसा करके दो. उसको नहीं आया तो फिर वो लगेगा शक्ति कपूर, अगर ठीक तरह से नहीं किया तो सलून वाले के भी चैलेंजेस बढ़ गए. एक्सटर्नल फैक्टर, कस्टमर लेके आया, मेरे को ऐसे चाहिए, करता है क्या, तो दूसरे का भी जाता हूँ, अब बोलेंगे करो. तो सलून वाले को बहुत पढ़ना पड़ता है, तो आएगा सलमान खान बनने, जाएगा शक्ति कपूर बन के. You need to be careful. दूसरा अनसर्टनिटी, यस, ये बिजनेस एनवायरमेंट टोटली क्या है, हाँ कल आपके साथ क्या होगा, भरोसा नहीं.
मैं अगर भाग गया पैसे लेके आपका भरोसा नहीं, आंसर एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मैं जाऊँगा नहीं, एग्जाम्पल आपसे पूरा फीस लिया और भाग गए, तो जो कैमरा देख रहे जो लाइव देख रहे तो पूरी दुनिया भरोसे पे चल दी है, तो अनसर्टिनिटी तो है, डाउट तो रहता है कि विपुल सर भाग गए तो पैसा भरने के बाद। तो ये फ्यूचर प्रेडिक्ट करना किसी के लिए पॉसिबल नहीं है, तो क्या करना है सर, जो चेंज आएगा उसको एक्सेप्ट करो, उसमें से रास्ता निकालो, आगे बढ़ो, नहीं तो फिर खत्म हो जाओ। रिलेटिविटी, नाउ रिलेटिविटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट इज रिलेटिविटी, अच्छा बिजनेस एनवायरनमेंट इंडिया में चेंज होगा या सब जगह पूरे वर्ल्ड में हो रहा है, मतलब बिजनेस के चैलेंजेस हर एक इंडस्ट्री को है, खाली उसका इम्पैक्ट हर एक कंट्री में क्या होगा, अलग अलग होगा, उसको बोलते हैं रिलेटिविटी। मतलब आपके घर पे पोटैटो सब्जी मैं भी मेरे घर पे बनती है और आपके घर पे भी बनती है, लेकिन टेस्ट अलग अलग होगा, बस सिंपल एज दैट, बनाने का तरीका क्या है अलग है। तो बिजनेस एनवायरनमेंट डायनेमिक है, पर उसका जो इम्पैक्ट होगा वो हर एक कंट्री में क्या होगा, अलग होगा। अभी काफ़ी सारे कंट्री में पहले से प्लास्टिक बैन था, तो उनके लिए कुछ नया नहीं लगा, बट इंडिया में प्लास्टिक बैन मतलब गड़बड़ है, क्योंकि आपने को थ्रिल लगता है जो नहीं बोला तो करने का। मैंने बोला कि वहाँ पे मत जाओ तो आप कंफर्म देखिए, सर ने बोला तो हम तो जाएंगे, कुछ तो रहेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, तो देखो वही दिया है, बिजनेस एनवायरनमेंट इज अ रिलेटिव कॉन्सेप्ट सिंस इज डिफर्ड फ्रॉम कंट्री टू कंट्री एंड इवन फ्रॉम रीजन टू रीजन। सर रीजन टू रीजन मतलब सुनो, जैसे अल्कोहल गुजरात में पहले से बैन था, एज उनको महाराष्ट्र में बैन हो गया, तो वहां तो ऑलरेडी था, तो मतलब ऐसे रीजन वाइज भी स्पेसिफिक डिफरेंसेस रहते हैं। जैसे केरला में खाना बनाते समय कोकोनट ऑयल यूज किया जाता है, यहाँ पे यूज किया तो बोलेंगे बहुत भंगार खाना बना है, अपने को आदत नहीं है, उनको बोला वड़ा पाव जाके बनाओ तो सत्यानाश कर देंगे वड़ा पाव का, बहुत भंगार, उनको पता नहीं कैसे बनाते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, तो ये होता है कि इसके इम्पैक्ट रीजन टू रीजन भी क्या होते हैं, क्योंकि हर एक रीजन का भी एक बिजनेस एनवायरमेंट रहता है, आप जहाँ पे रहते उसका कल्चर भी रहता है वो है। तो पॉलिटिकल कंडीशन यूएसए डिफर फ्रॉम चाइना एंड पाकिस्तान, यस, तो हर एक कंट्री के पॉलिटिकल सिचुएशन अलग है, तो इम्पैक्ट हर एक पे अलग अलग होगा। एंड मल्टी फैसेटेड, मतलब मैंने जो अभी क्लास का एग्जाम्पल दिया था कि ऑनलाइन मार्केट देखा जाए तो एज फार एज लाइव क्लासेस कंसर्न इट्स अ थ्रेट, बच्चा आएगा नहीं ना, मैं क्या बोला समझ आ रहा है, बट एज अ फैकल्टी अगर मैं सोचता हूँ तो मेरे लिए अपॉर्चुनिटी, क्या अपॉर्चुनिटी बताओ, मेरा पहले मार्केट पुणे था, अभी क्या हो गया ऑल इंडिया हो गया, तो ये मेरे लिए अपॉर्चुनिटी है। तो अभी मैं आपको एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ये जो ऑनलाइन पे पूरा मॉडल शिफ्ट हो रहा है धीरे धीरे, अभी ये मैंने तो ऑब्जर्व किया एंड सभी फैकल्टी ने किया, नो डाउट सभी फैकल्टी अच्छी है, सब लोगों ने रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दिया, इट्स अ गुड थिंग। नाउ इसका इम्पैक्ट और लोगों पे हो रहा है, जिनका हॉस्टल का बिजनेस है, मेरे क्लाइंट है उनका हॉस्टल का बिजनेस है, मैंने उनको बोला कि सर आप नए हॉस्टल मत खरीदना, बिकॉज नाउ स्टूडेंट क्या कर रहे हैं, घर पे पढ़ो डॉट कॉम, मतलब घर पे पढ़ रहे हैं, तो नाउ दे विल नॉट कम टू योर हॉस्टल। एंड अभी मेरे एरिया में काफ़ी सारे हॉस्टल खाली है, खाली मतलब वो भरे है बट वो जितना पहले था, क्योंकि स्टूडेंट क्या बोलेंगे मैं यहाँ पे क्यों आऊँ, मेरे घर पे पेन ड्राइव आता है, फैकल्टी वही है, घर पे बैठ के आराम से पढ़ सकते हैं, मम्मी के हाथ का खाना मिलेगा, मेन थिंग वो है। हॉस्टल में सब प्रॉब्लम, हॉस्टल का पैसा भरो, खाने का पैसा भरो, उसमें तो घर पे पढ़ो कहा जाता है, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो काफ़ी सारा कन्वर्जन हो रहा है। अगर आप देखेंगे आईपीएस वगैरह जो एग्जाम होते हैं ना, सब एंट्रेंस पूरे ऐप बेस हो गए, उनका एमसीक्यू रहता है ना, हर एक क्लास ने ऐप बना दिए, तो जो बच्चे यहाँ पे आना तो वो क्या हो रहा है, अभी घर पे बैठ के वीडियो देख रहा है। तो मैं आपको लिखता हूँ 5 साल में टीचिंग इंडस्ट्री विल बी लाइक अ टाटा स्काई, ऑप्शन देगा विपुल सर का लेक्चर देखना है, यू विल हैव ऑप्शन, लाइक मजाक नहीं कर रहा हूँ, इट लाइक अ टाटा स्काई, विल बी ऑल देयर ऑन टाटा स्काई, फ्री पैक दिया जाएगा, इसमें 100 चैनल फ्री है, बाद में एड ऑन आप कर सकते हैं, है ना, इसलिए मैं आपको पहले पढ़ा रहा हूँ, मतलब तब तक बन जाओगे, ठीक है। तो ये थे 5 पॉइंट, ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आते हैं और मोस्टली एमसीक्यू इस पे आएगा। सो क्या आएगा एमसीक्यू, स्पेसिफिक फैक्टर कौन से हैं वो लर्न करो, एंड जनरल फैक्टर कौन से वो भी लर्न करना है, तो इसको लर्न करना है, बाकी तो जनरल आप लर्न कर सकते हैं बट ये लर्न करो, एंड ये हेडिंग भी लर्न करना है। तो इसमें क्या लर्न करना है, हेडिंग रट्टा मार के लर्न करना है, और स्पेसिफिक के 4 फैक्टर और जनरल के 4 फैक्टर परफेक्टली रट्टा मार के करना है, उसमें तो अपन एक्सपर्ट है, कॉमर्स स्टूडेंट कोई बताने की बात नहीं, कॉमर्स में वही लोग आते हैं
जो पढ़ाई में थोड़े कमज़ोर होते हैं, थोड़े ज़्यादा नहीं, बट इस कोर्स में अगेन स्ट्रांग बन जाते हैं। चलो नाउ बस करना है आज, ठीक है आज इतना ही करते हैं एंड कल फिर अपन कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।